और धारावाहिक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना हरि और आज हम जहां पे खड़े हैं यहां पे जितने भी लुधियाना के ऑफिशियल्स हैं, जितने भी लॉयर्स हैं, पुलिस ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, व्हाइट कॉलर वाले जो लोग हैं ना वो सारे के सारे यहां पे खाते हैं। और हम आपको मिलाते हैं यहां पे बंटू चिकन कॉर्नर से पवन जी को जो यहां के ओनर हैं। सो पवन जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे टाइम दिया। बहुत बहुत आप, मैं तो वेट कर रहा हूँ आपकी 12 बजे टाइम दिया था आपको। सर एक्चुअली थोड़ा हम लेट हो गए, वो एक और जगह पे शूट कर रहे हैं। मेरे पास जैसे जितने वकील हो गए, जज की रोटी जाती है यहाँ से, जितने पत्रकार हो गए अपने दुआने के हो गए, जितने पुलिस वाले मुलाजिम हो गए, ट्रैफिक वाले, दूसरे चौकी खाने वाले, सब जो कचहरी आता ना काम, जिसको पता वो खाना खा के जाता है, वो बोलते आए तो बहुत दिल करता है खाना। स्पेशल पिंड से भी खाने आते हैं। सर सच बताऊं, मैं कचहरी नहीं भी आता हूं, ना ही कभी गेड़ा लगे, पर मैं खा के जरूर जाता हूं। मैं बहुत जो एक बार खाना यहाँ से खाया जाता है ना, जो फिरोजपुर से चलता है वो पहले फ़ोन कर देता है कि मैं फिरोजपुर से चला हूँ, मैं इतने बजे पहुँचूँ, मेरा खाना रख लेना। उसके लिए खाना वेट करते हैं, रख लेते हैं उनके लिए खा के। अमृतसर से आता है, जो दिल्ली से आता है वो खन्ना पार करता, फ़ोन कर देता है। अच्छा। मैं 3:30 बजे तक आऊँगा, उसकी हमें जितना ऑर्डर देता है उतना निकाल के रखते हैं, चाहे वो 5 बजे आए उसका खाना उसको खुआ के फिर जाते हैं। क्या पवन जी, इसका सीक्रेट क्या है, आपका राज क्या है, इतने आपने लोग जोड़ रखे हैं, ये कैसे मतलब सर, कैसे कर लेते हैं? कुछ नहीं, एक प्यार है जी, एक क्वान्टिटी बढ़िया देती है, सब जितने मसाले हैं आप ले आके आप ही इस्तेमाल कर, रेडीमेड कोई नहीं भरता। मैं जितने मसाले हैं सारे अपने ला के बेचता हूँ, सारे होटल अपने करते हैं, मैं बाजार से ले आके साबुत ले आके बेचता हूँ। क्या बात है सर, जो ये टेस्ट है ना, मैं पूरा इंडिया घूम चुका हूँ, ये वाला टेस्ट कहीं और नहीं है। पता नहीं आप क्या करते हैं, क्या जादू करते हैं आप, कैसा जादू क्या करते हैं? नहीं जादू क्या, एक प्यार की बात है सर जी, प्यार से खुवाते हैं। जो बंदा कनाडा भी गया हुआ है ना, वहाँ से फोन आए, जब आएंगे पहले आपके पास आएंगे, घर बाद में जाएंगे। सर मैं सच बताऊँ, दोपहर को ना रोज मुँह में पानी आ जाता है कि यार वहाँ पे चलते हैं एक बार खा के आते हैं। सर जी आज खाओगे ना अपने आप, आप आपके दिल में बैठ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिखाइए सर क्या क्या लगाते हैं। ये है जी मटन करी, क्वांटिटी चेक करो और ऊपर जो रोगन आ रखा है वो चेक करो यार, वाह। घर से बना के लाते हैं जी, वाह। ये स्टैंडर्ड पंजाबी स्टाइल मटन ग्रेवी है, एकदम गाढ़ी, एकदम गाढ़ी, और ऊपर जो है रोगन है जी, ये भुन भुन के बढ़ती है ना। हाँ जी हाँ जी। ये क्या चीज है सर? ये चिकन है जी। ये चिकन है, इसका थोड़ा सा हल्का सा वो बटर चिकन वाला कलर है। हाँ जी बटर, क्रीम डलती है इसमें। हाँ जी हाँ जी। क्या बात है जी। तो ये ग्रेवी चेक करो, ये शाही पनीर है। अच्छा जी, ये शाही पनीर है, तो वेजिटेरियंस का भी ध्यान रखते हैं जी। ये कीमा है जी, ये कीमा कलेजी है जी। कीमा कलेजी भाई साहब, हरिया धनिया से भर भर के, वाह। कितने बजे आप सुबह बनाना शुरू कर देते हो इतनी सारी अपनी चीजें तैयार करके? सुबह 5:45 बजे उठता हूँ। अच्छा जी, मेरी लेबर 5:45 बजे उठती है, साथ में 10 बजे तक लगती है, 10 बजे तक रेडी कर देते हैं माल। क्या बात है, मतलब 5 घंटे में माल तैयार। हाँ जी। और ये क्या चीज़ है? ये राजमा है जी। राजमा और साथ में मैं देख रहा हूँ आलू है बीच। हाँ जी। वाह जी वाह, तो राजमा और आलू है जी, और बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं भाई साहब। जो ग्रेवी है ना, ये ऐसी ग्रेवी आपको कहीं और नहीं मिलेगी, लुधियाना छोड़ो पंजाब में नहीं मिलेगी, घर में मिलेगी बस। ये भी सच है। ये दाल है जी। अच्छा ये दाल है, वाह। अच्छा जो इनके मसाले हैं सारे अलग अलग हैं या एक ही तरीके का मसाला था? नहीं नहीं सब अलग होंगे सर, एक तरीके से हो ही नहीं सकता। क्या बात है, मतलब सब चीज़ का अलग स्वाद है, अलग जायका आ रहे आ रहे, सबका अलग जायका अलग स्वाद है। हाँ जी। क्या बात है सर, क्या बात है जी। उस्ताद जी क्या नाम है आपका? कारी राम। और आपका नाम सर? पप्पू। और आपका? फुकरा। फुकरा है भाई? हाँ जी सर। सच में नाम है? नाम मेरा सुनील है। नाम सुनील है। अच्छा पराठे रोटियां क्या क्या लगाते हो आप? सारे आइटम लगाते हैं, रोटी लच्छा परोठा बटर नान ओनियन कुलचा। फिर कुछ लगा के दिखाओ बढ़िया से, ऐसे नहीं मानूंगा मैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा कुल्फी भाई। कुल्फी भाई, क्या रोटी पैक? वैसे पूरा नाम क्या है? क्या बात है सर, नाम बड़े आपके बहुत ही बढ़िया बढ़िया नाम है सबके हैं। ये लच्छा परोठा, ये लग रहा है जी लच्छा परोठा, घी से लथपथ। ओ भाई साहब, लो जी फिर लेयर्स बन गई हैं। ये बन गई भैया, कहाँ से हैं आप? अरे है तो बिहार से। बिहार से? बिहार में कहाँ से? समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर, वाह जी वाह। भाई साहब बहुत ही बढ़िया माहौल है यहाँ पे, और जो वाइब है ना एकदम विंटेज रेट्रो वाइब है। तंदूर लगा हुआ है सड़क के ऊपर, और इधर देखो स्टॉल है, बहुत ही बढ़िया सेटअप है, इधर आप आराम से बैठ के खा सकते हो, बहुत बहुत मज़ेदार वाइब है यहाँ की। ये भाई थोड़ा सा कैमरा उधर हुआ तो धनिया लगा दिया भाई ने। ये लग रहा है जी आपका लच्छा पराठा, धनिए से लथपथ, अंदर लच्छे ही लच्छे।
परोठे से निकलता है। ओ वाह, ये आ गया जी लच्छा पराठा तंदूर के बाहर, और ये देखो हरिया धनिया से भर भर के। सर जी मैं यूके रहता हूँ। यूके? हाँ। क्या बात है, यहाँ आया हूँ 20 साल से रोटी खाते, जब भी रोजाना आते पंजाब जी। इसके आपके पेड़ की रोटी खाते। यूके नहीं मिलती है? नहीं मिलती, यूके आया जब सारी स्वाद है। नंबर 2 ਤੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਮੇਨ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਕੋ ਰੋਟੀ ਲੈ ਲਈ ਅੰਦਰ ਕਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਟੀ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਕਰੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਲ ਪਾਰ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ, ਸੱਚ ਹੈ ਸਰ ਜੀ? ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਬਾਤ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਸਰ ਨਾਲੇ। ਬਾਕੀ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜੈਸੇ ਕਸਟਮਰ ਆਤੇ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਜੇ ਆ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਭੁੱਲ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਬੋਲ ਤੋ ਮੈਂ ਅਭੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਤਾ, ਉਸਕੋ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੇ, ਮੇਰੇ ਸੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਲੈ ਲੇ। ਪਰਸ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਫੋਨ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਪੈਸੇ ਪੜਾ ਰਹਤਾ ਹੈ, ਕਭੀ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ। ਹਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਫੋਨ ਪਰਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫੋਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਾਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ, ਯਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ? ਜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੰਟੂ ਖਾਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਫਰਕ ਆ। ये लग रही है जी बंटू जी की स्पेशल थाली। सबसे पहले तो वेज थाली लग रही है जी हमारे वैष्णो भाइयों और बहनों के लिए। ये है जी दाल, ऊपर से रोगन, ये आ गए जी गाढ़े गाढ़े राजमा, ऐसे राजमा जम्मू में खाए थे लास्ट, इतने गाढ़े। ओहो, वाह जी वाह। ऊपर से रोगन, ये आ गया जी पनीर, शाही पनीर। यूके वाले ने क्या शाही है जी, तो मान लिया जी। सो ये आ गया जी राजमा दाल और शाही पनीर। ये आ गया जी आपका सलाद और चटनी, हरी मिर्च। ये तो बना पंजाबी रोटी नहीं पूरी होती। येलो बटर चिकन आ गया जी, लेग पीस। ये आ गए जी आपके विंग्स, और ये आ गया जी ऊपर से रोगन। ये देखो जी कीमा कलेजी, एकदम गाढ़ा, एकदम गाढ़ा, बढ़िया। वाह वाह जी वाह। और ये देखो जी, तो ये है जी पंजाबी देसी मटन कड़ी, देसी पंजाबी मटन कड़ी। और ये आ गया जी चांप का पीस, भाई साहब बहुत ही बढ़िया। ओहो, पीसेस चेक करो यार पीछे, लो जी लो। ओहो, वाह क्या बढ़िया बढ़िया मीट है यार। प्याज और मूली और हरी मिर्ची, हरी चटनी। पवन जी काम कितना पुराना है अपना? मैं कन्वे से लगा रहा हूँ यहाँ पे। आपने ने शुरू किया था या आपके पापा ने शुरू किया था? मैंने शुरू किया, सलाह दे आपने। हाँ, मेरे पापा तो मेरे ख्याल 10 साल की एज में पूरे हो गए थे। अच्छा जी, तब से बस यही काम कर रहे हैं। ठीक है, 10 साल से काम कर रहे हैं सर जी। मेरे ना ये रेडी लगती पुरानी क्यारी, उनके पास सीखा मैंने। अच्छा जी, क्या बात है, मतलब परिवार में ही सीख के और फिर आपने शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया। एक बार टाइमिंग्स बता दीजिए अपनी यहाँ पे। यहाँ पे सुबह 11 बजे से लेके शाम 4 बजे तक। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि यहाँ पे अगर किसी को आना हो तो लोकेशन क्या है? लोकेशन है ये नमी सामने, नमी चैरी है, डीसी दफ्तर है उसके गेट के बिल्कुल सामने, ये फिरोजपुर रोड है। ठीक है जी, फिरोजपुर रोड के ऊपर कचहरी के एकदम सामने। एकदम सामने। तो भाई साहब आज का जो स्वाद वटांदरा है ना, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स। यहाँ तो मैं आके खाता ही रहता हूँ बहुत ऑफन, आज सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। तो ये है जी यहाँ का येलो बटर चिकन, एंड बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारी सी रेसिपी है। एंड यहाँ पे जो माहौल है ना, एकदम ढाबे वाला माहौल है ऑन द रोड। ये है जी मटन करी, पंजाबी स्टाइल मटन करी, एकदम देसी भुन भुन के जो मटन बनता है, 5-6 घंटे इसकी भुनाई होती है वो है। और ये है जी कीमा कलेजी, भाई साहब वैसे तो मैं बड़ा सख्त इंसान हूँ, पर यहाँ मैं पिघल गया टाइप वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि यहाँ मैं वाकई पिघल गया यार। इनकी चटनी भी लाजवाब है यार, बहुत ही बढ़िया। वेजिटेरियन लोगों के लिए पनीर है जी, शाही पनीर यूके वालों ने बोला है। ये है जी राजमा, गाढ़े राजमा एकदम,
ऐसे जम्मू वाली फीलिंग आ रही है, मतलब पूरी इतने गाढ़े राजमा यहाँ पे। और ये है जी दाल, ये बड़ी स्पेशल है यार, सबसे स्पेशल चीज़ ये है। मतलब अगर आपको कभी मन करे ना दाल खाने का, तो यहाँ की सिर्फ दाल ट्राई करना, आप एकदम फिदा हो जाओगे। सबसे पहले तो एक बाइट बनाते हैं। तो ये है जी एक पीस, एंड देखो लुक एट द टेंडर द जूसी पीसेस ऑफ मटन यार, ये देखो। ओहो धुएं निकल रहे हैं, वाह जी वाह, दिस इज सुपर्ब टेंडर जूसी मीट। ये बनाते हैं जी एक बाइट, डिप इट इनटू द ग्रेवी एंड हियर गोज। अभी रेडी नहीं है यार, वेट करो। मूली, ये है जी एक बढ़िया सा प्याज का पीस, और चटनी के लिए चम्मच नहीं है तो ऐसे नीचे से डिप करते हैं, और दिखाता हूँ ऐसे, ये हल्की सी डिप लगाई, डुबकी लगा के। हियर्स अ बाइट, हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट मटन ग्रेवीज आई हैव हैड एवर। ये इतनी अच्छी है, एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे आते हो, ट्राई करते हो, कमेंट करके आप खुद बताना, और अगर आप यहाँ पे खा चुके हो तो कमेंट करके बताओ कि मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, भाई साहब सच बोल रहा हूँ। लेग को ना थोड़ी सी अच्छे से डुबकी लगा लेते ग्रेवी के अंदर पहले ही। तो हियर्स अ बाइट, ये है जी आपका लेग पीस, आपका नहीं मतलब मुर्गी का, ये है जी लेग पीस, एंड ये तो इतना टेंडर है कि हाथ लगाते ही टूट गया यार। ये गई जी डिप इनटू द ग्रेवी एंड हियर्स अ बाइट। इतनी खुशी, मतलब अगर वाइड एंगल कैमरा में पूरा आ रहा है तो इतनी खुशी। बेस्ट है यार, मतलब बेस्ट है, बेस्ट। ये है जी आपकी कीमा कलेजी, हियर इज अ बाइट। लो जी कीमा कलेजी, सब्सक्राइब। मैं आज एक चीज़ बोल रहा हूँ, मान लो मेरी बात, ऐसा नॉनवेज अगर आपको पंजाब में कहीं और मिलता है, या पहले मुझे कमेंट करके बताओ, वहाँ का भी कवर करेंगे। पर मेरी जो लाइफ में अभी तक मैंने सबसे बढ़िया नॉनवेज खाया है, ये जो सामान है ना, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट जो अभी तक मैंने नॉनवेज खाया, इतना ज़्यादा अच्छा है। वी कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन जिंदाबाद, रहन साड़ियाँ यारियाँ, तो जौंदा हसदा, तो वसदा रहे साडा पंजाब, नाले साडा हिंदुस्तान। जय हिंद।